हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत व्लॉग्स। तो भाई लोग, आज का जो डेट चल रहा है वो है 13 जनवरी 2021 और मैं हूँ आज किलकिला में, ठीक है, देख सकते हैं। और मेरे साथ दो भाई भी हैं इधर, देख सकते हैं भाई लोग हैं, ठीक है। और हम लोग क्या है, किलकिला में ये जो नदी है, देख सकते हैं आप लोग, इधर नदी है, इसमें एक डैम बना हुआ है उधर नीचे में, तो हम लोग अभी वहीं पर जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो पे बने रहिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए भाई लोग, चलते हैं, वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी किलकिला पुल में हैं, ठीक है। इधर पत्थल गांव रोड है और इधर है कापू रोड। तो हम लोग अभी कापू रोड से जाएंगे, वहाँ पे एक चौक है, गोला बोड़ा चौक, वहीं से हम लोग फिर जाएंगे, वहीं से रास्ता बना हुआ है। तो चलिए देखते रहिए। देख सकते हैं हम लोग अभी गोला बूढ़ा बस्ती पहुंच रहे हैं और यहां से डैम जाने के लिए रास्ता कटा हुआ है। ये जो देख सकते हैं नीम पेड़ है, यहीं से इधर जाना है हम लोग को। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी डैम के पास पहुंच गए हैं, मैं दिखाता हूं आप सभी को, देख सकते हो, ठीक है। और चलिए हम लोग यहां से जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और यहां से जो रोड का जो दूरी पड़ा ना, समथिंग 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है, आप लोग आ सकते हैं यहां। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग चलते हैं नीचे और दिखाता हूँ अभी करीब से जाके, ठीक है। आप लोग देखिए ये नजारा कैसा है। वो जो मेरे साथ भाई लोग आए हैं, उन लोग देख सकते हैं वो नीचे में, ठीक है, उन लोग कुछ फोटो सेशन करने गए हैं, फोटो खिंचाने गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी आ गया हूँ यहाँ नीचे में, ठीक है। और मैं जूता पहना हूँ, इसके वजह से मेरे को पानी में जाने में ना थोड़ा डर लग रहा है। तो चलिए, मैं जूता खोलता हूँ और फिर चलते हैं पानी में, ठीक है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बना हुआ है यार ये क्या है, पानी इतना ज़्यादा स्टोरेज किया गया है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पानी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी डैम में नहीं उतरने वाला क्योंकि मेरा जूता गीला हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग उधर देख सकते हैं पीछे में, उधर मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सूर्य प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। उसमें खेती करते होंगे लोग, वहाँ के लोग, ठीक है, जिनका ज़मीन इस डैम के किनारे में है, ठीक है। और चलिए हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं उधर उस साइड, ठीक है। और फिर चलिए वहाँ से मैं आप सभी को लोकेशन शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोग को लोकेशन कैसा दिखाई देता है। और उधर जाने के लिए भी कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं ये रोड है, हमारा बाइक वहाँ पे खड़ा है, ठीक है। और मैं उधर गया था और हम लोग को नीचे जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए दूसरा रास्ता से जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से रास्ता आया हुआ है, देख सकते हैं इधर, एक हिसाब से देखा जाए तो पिकनिक स्पॉट बन सकता है ये, अगर लोग यहाँ पर आए जाने, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करें तो फिर
ये भी पिकनिक स्पॉट बन सकता है। और देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो देख सकते हैं यहाँ पे उतरने का बनाया गया है सीढ़ी, ठीक है, कि लोगों को परेशानी मत हो। चलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग अभी नीचे आ गए हैं, ठीक है, और इधर देख सकते हैं, बट मेरे को ये जगह थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। चलिए मैं आप लोग से आगे चल के शेयर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर देख सकते हैं आप सभी को सफ़ेद झंडा दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारे भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं और देख सकते हैं इन लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे अभी। तो यार मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी अच्छा लोकेशन है यार, काफ़ी अच्छा, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ झरना के पास, देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा है पानी का, मेरा आवाज़ आप सभी को थोड़ा कम सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी से थोड़ा उधर ले जाता हूँ और थोड़ा लोकेशन दिखाता हूँ आप सभी को यहाँ से। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप सभी को ना थोड़ा सा करीब से ले जा के दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे को दिख गया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितना ज़्यादा साबुन गिरा हुआ है, देख सकते हैं कम से कम 10 तो है फ्रेंड, देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साबुन यहाँ पे गिरा हुआ है। चलिए फ्रेंड, आप सभी को ये लोकेशन कैसा लगा मेरे साथ शेयर करना, मेरे को कमेंट ज़रूर करना कैसा है ये लोकेशन, ठीक है। और अगर आप लोग इसी एरिया से हैं तो आप लोग एक बार प्लीज विजिट करिए, यहाँ पे आइए, थोड़ा घूम के देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये लोकेशन बताना यार प्लीज़ मेरे को, ठीक है। और देख सकते हैं आप लोग इधर, अगर मेरा आवाज़ थोड़ा कम सुनाई दे तो थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है, सुन लेना। और देख सकते हैं इधर कितना अच्छे से पानी गिर रहा है इधर से, ठीक है, और यहाँ पे पानी स्टोरेज किए हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है यहाँ के अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं, आजू बाजू में जिसका खेत है उन लोग को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो बस इतना ही, और इधर देख सकते हैं यहाँ पे लग रहा है मेरे को कि चीता जलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, कुछ फ़ोटो खिंचाएंगे उसके बाद फिर यहाँ से भागते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक है, और अभी शाम के समथिंग टाइम हो रहे हैं, 4:16, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, और डेट तो मैं बता ही चुका था, 13 है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अभी शाम का टाइम भी हो रहा है और यहाँ पे चीता भी जलाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से, वीडियो कैसा लगा बताइएगा मेरे को, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है फ्रेंड्स, और एक छोटा सा कॉमेंट करके ही जाना। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है, हमारा बाइक भी इधर है, मैं जा रहा हूँ, और जो मेरे साथ भाई लोग हैं उन लोग पीछे हैं आ रहे हैं, और देख सकते हैं यार कितना अच्छा लोकेशन है यहाँ पे, आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करिए अगर इस एरिया से हैं तो।
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, भाई लोग भी हैं, आ गए हैं इन लोग भी। तो चलिए हम लोग यहाँ से अभी चलते हैं घर के लिए और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए भाई लोग आज के लिए बस इतना ही और हम सब के तरफ से बाय बाय। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आप सभी से।